रामशहर सोलन के क्वारंटाइन सेंटर में पिछले कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये कोरोना पॉजिटिव चोरी छिपे पश्चिम बंगाल से ट्रक में बैठकर हिमाचल आए थे, लेकिन जागरूक पुलिस ने उन्हें गांव जाने से पहले ही रास्ते में रोक लिया और क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। अगर ये व्यक्ति अपने गाँव तक पहुँच जाते तो वहाँ सैकड़ों लोगों को संक्रमित कर सकते थे। पुलिस की वजह से आज ये गाँव वासी सुरक्षित है जहाँ के ये कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आए हैं। पिछले दिनों 5 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए थे और देर रात एक मामला और भी सामने आया है। लगातार बढ़ती संख्या से जहां सोलन जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है, वहीं स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को भी चौकन्ना होने के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उपल ने बताया कि जो व्यक्ति कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव आए थे उनकी पिछले कल रिपोर्ट आई है जो कि पॉजिटिव पाए गए थे। उन्होंने बताया कि देर रात तक जो व्यक्ति पश्चिम बंगाल से ट्रक में आया था इनके संपर्क में था वो भी पॉजिटिव पाया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 150 सैंपल लिए गए हैं और इनमें 144 लोगों के नेगेटिव हैं जबकि 6 पॉजिटिव पाए गए थे। उन्होंने बताया कि रेड जोन में आने वाले लोगों को सरकारी केंद्रों में क्वारंटाइन पर रखा गया है, वहीं ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन से आने वालों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। मैं डॉक्टर राजन उपल सोलन, आज 24 मई को ये जो आपके पॉजिटिव केसेस आए हैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये वही लोग हैं जो 5 पहले पॉजिटिव आए थे, उसके 6 उनके कॉन्टैक्ट वाले दूसरे पॉजिटिव आए हैं। ये सारे के सारे वेस्ट बंगाल से ट्रकों में भर के आए थे। और कितने लोगों को ट्रेस कर लिया गया सर इनके? हमने 150 सैंपल टोटल लिया था जिसमें बाकी नेगेटिव। स्वास्थ्य विभाग अपना पूरा युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। IEC मटेरियल हमने सबको दे दिया है और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको 3 जोन्स में बांटा गया है। पहला जो रेड जोन से आते हैं उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करने के बाद उनका 4-5 दिन के बाद टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो अगले 14 दिन के लिए उनको घरों में क्वारंटाइन किया जाता है, और अगर पॉजिटिव आता है तो फिर हम अपने हॉस्पिटल सेंटर्स में उनको शिफ्ट कर देते हैं। ऐसे जो ऑरेंज और ग्रीन जोन से आए हैं उनको हम होम क्वारंटाइन करते हैं और हमारी स्वास्थ्य टीम लगातार उनके संपर्क में रहती है। अगर उसमें से कोई भी सिम्प्टोमेटिक होता है तो तुरंत उसका टेस्ट किया।